जय हिंद। आज का हमारा बायोलॉजी का 7th लेक्चर होने जा रहा है। मैंने इससे पहले आपको 6 लेक्चर पहले भी बता दिया हूँ बायोलॉजी का, और मेरा जितना भी लेक्चर हुआ है अभी तक में वो इतना ही बायोलॉजी को मैं डीप में लेके गया हूँ, इतना ही डीप से आपको बताया हूँ कि आप लोगों ने उतना डीप उतना डिटेल्स अदर कोई यूट्यूब चैनल या फिर अदर कोई वीडियो में नहीं किए होंगे, ना ही तो ऑफलाइन सेंटर में आप इतना डिटेल्स जाने होंगे बायोलॉजी के बारे में। मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ ऐसा डिटेल जो कि जिसको कि पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी से कोई भी एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाली नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको ये बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है वो मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले ये बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे मेरे बड़े भाई भी होंगे जो कि मेरा चेहरा देख करके ये पता कर लिए होंगे कि ये क्या पढ़ाएंगे, ये क्या बता सकते हैं। यार, आप एक बार मेरा पहले का भी लेक्चर देख लीजिए, या फिर ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरा पूरा लेक्चर को देखिए, तो आपको यकीन हो जाएगा मैं किस लेवल का बताता हूँ। तो आप लोगों को पहले मेरे पूरा वीडियो को डिसाइड देखना है, तभी आपको डिसाइड करना है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। बेहतरीन ट्रिक के साथ, मज़ेदार तरीका के साथ मैं आपको आज का क्लास में बताऊंगा सेल, जिसका कि हमारा 7th लेक्चर होने जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। हमारा पहला चीज, मैंने पिछले क्लास में जो भी बताया था मैं उससे आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बताए थे कल के क्लास में, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं, सेल को हम अगर हम सेल का प्रकार कर बात करें गुणों के आधार पे वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जो कि दिखाई नहीं देता है, वैसे जीव जो कि दिखाई नहीं देता हो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है, और जो दिखाई पड़ता हो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। यू मतलब आप में से कोई, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप में से कोई, ठीक है। जो आप में से क्या कोई दिखाई नहीं देता है, क्या सभी को दिखाई देता है, तो प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जो कि, देखिए पबजी या फ्री फायर खेले होंगे तो आपको प्रो प्लेयर पता होगा, प्रो प्लेयर जो गोली चलाता है कहाँ चलाता है पता नहीं चलता है, ठीक है, इन दिखाई नहीं देता है कहाँ से गोली चलाता है पता नहीं चलता, बंदा को मार के चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह प्रोकैरियोटिक दिखाई नहीं देता है, प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे जीव को बोलते हैं जो कि दिखाई नहीं देता है। ये मैंने आपको उसके बारे में डिटेल से बताया हूँ पिछले क्लास में। तो आज का क्लास जो हमारा होगा सेल के बारे में होगा, लेकिन अब जो हम सेल को प्रकार के समझने वाले हैं ये हम लोग संख्या के आधार पर समझने वाले हैं, यानी किसमें कितना संख्या है, और उसी के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि भाई ये जो हमारा सेल होते हैं ये कितना तरह के होते हैं संख्या के आधार पर, ठीक है। संख्या के आधार पर होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर लिए इंग्लिश में। यूनि यानी एक, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एक कोशिकीय, वैसे जीव जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, वैसे जीव जिसमें कि एक कोशिका पाई जाती है उसको बोलते एक कोशिकीय जीव, यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। वैसे जीव जिसमें कि वन सेल पाया जाता है, एक ही सेल होगा ज्यादा सेल न होगा, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव। बहु मतलब कि अब वो वाला बहु नहीं भाई, समझा गया ना, जो हम लोग देहात में यूज करते हैं वो वाला बहु नहीं, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव हम उसको बोलते हैं बहु मतलब बहुत सारा, अनेक, जिसमें कि अनेक कोशिकाएं होती है, वैसे जीव जिकरा में अनेक कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर, और हिंदी में बात करें तो बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारा, ठीक है। सेलुलर बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसमें सेल होते हैं, बहुत सारा अगर सेल होता है जिस जीव में उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामिशियम, युगलिना। देखिए, एक कोशिकीय जीव का एक हम बात करें इसके बारे में, एक कोशिकीय जीव में वैसे जीव आते हैं जिसमें कि कोई जाने नहीं होता है, कहीं वो टगर उगर के चल जाता है। बताइए एक कोशिका है, कितना कोशिका है, एक कोशिका है, और एक कोशिका है तो उसमें मजबूती होगा नहीं होगा, वो कहीं वो टगर उगर के चल जाएगा, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा में
कुछ ना होता है, जैसे बनाइए वही अमीबा हो गया, ठीक है। जी दस से बना दीजिए वो अमीबा ही हो गया। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, फिक्स शेप नहीं होता है। तो भाई इसका कोई शेप नहीं होगा फिक्स, ठीक है, ये कई ध्रुव पर टकर उगर के चल जाएगा। तो भाई एक कोशिका जीव उसको बोलते हैं जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। अब एक कोशिका कौन से जीव में पाई जाती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम का आकार जो होता है ये चप्पल के तरह, हवाई चप्पल देखे हैं, हवाई चप्पल के तरह इसका आकार होता है पैरामीशियम का। युगलिना, युगलिना में भी एक कोशिकीय जीव, यानी ये भी एक तरह का एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर, ठीक है, एनिमल्स है। बात को समझा गया। अब हम लोग बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव से हम लोग में बहुत सारा कोशिका है। हमारे अंदर जो है जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे हम लोग या फिर अदर कोई जीव जंतु, इस सब में क्या होता है, बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। या फिर पेड़ पौधा की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारा कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। जैसे इंसान हो गया, इंसान हम लोग हो गए, अन्य जीव जंतु में भी बहुत सारा कोशिका पाई जाती है। पेड़ पौधा भी ले लीजिए, पेड़ पौधा में बहुत सारा कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। आप लोगों को मैंने संख्या के आधार पर सेल का बता दिया, सेल का कितना तरह का होता है। अब देखिए हम लोग इससे आगे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कोशिका की संरचना के बारे में समझते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, यानी कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोशिका का संरचना क्या है, चलिए हम लोग यहां पे थोड़ा बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। देखिए कोशिका का संरचना ये दो तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं, एक होता है एनिमल सेल। यहां पे हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जो कोशिका प्लांट में, यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पादप कोशिका हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोले तो प्लांट सेल, ठीक है। जो कोशिका पेड़ पौधा में होता है, उसको बोलते हैं प्लांट सेल, ठीक है। यानी प्लांट में पाए जाने वाले कोशिका को प्लांट सेल बोलते हैं, और एनिमल में पाए जाने वाले कोशिका को एनिमल सेल बोलते हैं, यानी जंतु कोशिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल सेल, ठीक है। बात को समझा गया क्या, यानी पादप में, यानी पेड़ पौधा में, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधा आपको दिखता है, ठीक है, अपने आपके नंगे आंख मतलब क्या, नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो भी पेड़ पौधा दिखता है उसके उसमें कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो भाई जो प्लांट में पाए जाने वाले कोशिका को प्लांट सेल बोलते हैं, और एनिमल में पाए जाने वाले कोशिका को एनिमल सेल बोलते हैं, यानी जंतु कोशिका बोलते हैं। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, तब इससे आगे हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लांट जो होता है, आपको पता होगा हरा कलर का दिखता है। ये आपको क्यों नहीं पता होगा, आपको सबको पता होगा प्लांट कैसा कलर का दिखता है, जी हरे कलर का दिखता है। अब ये जो यानी ग्रीन कलर का दिखता है, अब ये जो ग्रीन कलर का दिखता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण दिखता है, क्लोरोफिल के कारण दिखता है। तो होता है क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ठीक है, हरित लवक बोलते हैं। बात को समझ आ गया, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। बात समझ आ गया, प्लांट का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, इसलिए, और हरा जो होता है किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हल्क जो है, हल्क एवेंजर्स का, ठीक है, एवेंजर्स का हल्क जो है वो भी हरा कलर का दिखता है, क्या उकरा में भी क्लोरोफिल पाया जाता है क्या? और अगर क्लोरोफिल, अब देखिए जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना खुद से खाना बना सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कर पाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है, एक तरह का ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके तहत प्लांट जो है, यानी पेड़ पौधा जो है, अपना खुद का खाना बनाता है। अब खुद का खाना क्या, दाल भात सब्जी बनाएगा, बताइए, दाल भात सब्जी नहीं, ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी शुगर बनाता है। बात को समझा गया क्या आपको, यहां तक समझा गया? तो देखिए, तो आप ये अब दिमाग में मत अटा लीजिएगा कि भाई ये जो अभी हल्क जो उतना बॉडी उडी तगड़ा बनाकर रखा है हल्क, वो उसमें फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, खुद देश खाना बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है और खा लेता है और एकदम तगड़ा हो गया, बॉडी वॉडी बना लिया है। तो आप बॉडी बिल्डिंग का उसका राज पता चल गया ना, ठीक है। जो कि क्लोरोफिल होगा उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसमें क्या क्लोरोफिल होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या बनाएगा, अपना खाना बनाएगा, क्या ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा जी, ग्लूकोज बनाएगा अपना खाना के रूप में। बात को समझा गया, अब हम लोग इससे आगे बताते हैं। देखिए लेकिन इकरा में देखिए एनिमल सेल में आपको पता है एनिमल सेल में क्लोरोफिल होगा, हम लोग हरा कलर का दिखते हैं जी पता ही है, हम लोग हरा कलर का दिखते हैं, नहीं दिखते हैं तो क्लोरोफिल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है वो हरा कलर का दिखता है। तो आप हल्क को नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सेल्यूलोज, प्लांट सेल में सेल्यूलोज होता है। देखिए जितना भी हरे सब चीज होते हैं, जितना भी घास फूस होते हैं, जितने प्लांट होते हैं, ओकरा में सेल्यूलोज होता ही होता है, ठीक है। जितना भी प्लांट व्लांट होते हैं, जितना भी पौधा उदा होता है, पेड़ पौधा होता है, ओकरा में सेल्यूलोज होगा। और सेल्यूलोज के तहत सेल्यूलोज क्या कहता है, वो बनाता है किसको, सेल वॉल को बनाता है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। बात को समझ आ गया, तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कोशिका भित्ति को बनाता कौन है, सेल्यूलोज बनाता है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो है हर एक पेड़ पौधा में पाया जाता है, ठीक है, हर एक पेड़ पौधा में सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज जो पाया जाता है ये क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के तहत किसी भी पेड़ पौधा को उसका एक निश्चित आकार मिल पाता है, आकार मिल पाता है। क्या हम लोगों में सेल्यूलोज होगा, नहीं होगा, बताइए सेल्यूलोज होगा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या सेल वॉल होगा नहीं होगा, सेल्यूलोज ही नहीं तो सेल्यूलोज ही बनाता है सेल वॉल को, यानी कोशिका भित्ति को बनाता है। जब सेल्यूलोज ही नहीं रहेगा तो क्या सेल वॉल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, समझा गया। तो ये दोनों प्रोसेस नहीं होता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कट का मार्क जो दिख रहा है इसका मतलब होता है नहीं होता है। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। देखिए ये काम क्या करता है इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। इसको हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर मान लीजिए कोई भी कोशिका का अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, कोई भी अंग अगर बढ़िया तरह से नहीं काम करता है ना, फ्रेश तरह से काम नहीं करता है, अगर देखिए इसको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी सेल के अंदर, सेल के अंग को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस कहता है तुम वो काम करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, सबको ऑर्डर देता है। लेकिन अगर मरियट्ठल की तरह सब काम करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, तो सेल लाइसोसोम क्या कहता है, ये लाइसोसोम भाई साहब क्या करेंगे, ये कहेगा अगर तुम लोग काम नहीं करोगे हम खुद फट जाएंगे। और इसके अंदर एक ऐसे एंजाइम्स पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर कि ये जैसे फटता है, ठीक है, ये क्या होता है, जितने भी कोशिकांग होते हैं पूरा कोशिका को ये मार देता है, ठीक है। ये खुद के फटने से पूरा कोशिकांग मार देते हैं, जितने भी कोशिका अंग होते हैं सबको मार देता है, माइटोकॉन्ड्रिया जे भी होता है, जे भी नखरा कर रहा है नहीं काम करेंगे सबको ही मार देता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, ठीक है, देखिए लेकिन एकरा अंदर जो है लाइसोसोम पाया जाएगा, ई सबको कंट्रोल करके रखेगा, ए तू ई काम करो, नहीं करोगे तो हम खुद को फाड़ लेंगे, और खुद को फाड़ लेंगे ना ही हम बचेंगे ना ही तुमको रहने देंगे, किसी को नहीं रहने देंगे, ये कहता है कौन, लाइसोसोम। तो एनिमल सेल के अंदर जितना भी एनिमल सेल होते हैं, जितना भी एनिमल्स होते हैं, उन सभी के अंदर लाइसोसोम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल का, ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है। ये सेंट्रियोल होता क्या है, देखिए इसके बारे में समझते हैं। सेंट्रियोल क्या कहता है, सेल के अंदर जितने भी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, या फिर वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, ये क्या करता है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल क्या काम करता है, इस सबको कहता है तुम इस जगह बैठोगे, तुम उस जगह रहोगे, तुम उस जगह रहोगे,
तुम इस जगह रहोगे, यानी ये जगह को फिक्स करता है, ठीक है, उसके जगह से इसको किसी को भटकने नहीं देता है, ठीक है, किसी को भटकने नहीं देता है, सेंट्रियोल का काम होता है ये, एक जगह कोशिका के अंगों को ये एक जगह फिक्स करके रखता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी में गए तो आपको कोई एगो आदमी है, वो क्या कहेगा, ए आप पे हम नज़र रख रहे हैं, आप बड़ा इधर उधर करते हैं, आप पे हम नज़र रख रहे हैं, आपको इसी जगह बैठना है, ठीक है। दो चार गो लड़का आप मिल के गए, सबको एकदम कुर्सी लगा के दे दिया, कहेगा ए आप इस जगह बैठिए, आप इस जगह बैठिए, आ तू उस जगह बैठेगा, ठीक है, इस जगह हिलना नहीं है, अगर हिलोगे बड़ी थुराओगे, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, जगह को फिक्स करता है, ठीक है। और कोई कोई खचरा क्या होता है, वो लड़किया जहाँ देखा शादी ब्याह में वहाँ चल गया, ठीक है, वहाँ चल गया बैठे लाइन मारने लगा, ठीक ऐसे होने लगता है। तो सेंट्रियोल क्या करता है, जगह को फिक्स करता है कि भाई जगह तुमको यहाँ रहना है, तुमको वहाँ रहता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर कोई भी अंग जो होते हैं वो कहीं भी भटक सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोशिका के अंदर कहीं पर भी टहल सकता है, ठीक है, वहाँ चल गया, ये वहाँ चल गया, मतलब बेबदासी, ठीक है। लेकिन हम लोगों के अंदर सेंट्रियोल होता है, तो हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया जिस जगह माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा उसी जगह रहेगा, ऐसा नहीं है तू हमारा जगह रह जाओ हम तुम्हारी जगह चल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर नज़रिया मिल रहा है बढ़िया से, वहाँ पर चल जाएंगे, आप समझ रहे ना। तो सेंट्रियोल क्या करता, हमारे अंदर सेंट्रियोल होता है, ठीक है, इसलिए हमारा कोशिकांग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, एक जगह फिक्स रहता है। लेकिन एकरा अंदर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, कहीं पर भी चला जाता है, इसका सेल के अंदर वो कहीं पर भी भटक सकता है, कोशिका के अंदर कोशिकांग जो होते हैं वो कहीं पर भी जा सकता है। बात को समझे कि नहीं समझे। इसमें वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, क्रम बड़ा होता है। वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स का काम होता है पानी को स्टोर करके रखना, पानी को जमा करके रखना। देखिए आप लोग देखे होंगे जब कोई पेड़ पौधा जो होते हैं, पेड़ पौधा क्या होता है, जब भी बारिश होता है तो वो क्या करता है, पानी को अपने जड़ में एकदम सोख लेता है, कोशिका के अंदर अपना सोख लेता है, ठीक है। कोशिका का वो कौन सा पार्ट है, तो वो वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स के अंदर पेड़ पौधा क्या करता है, अपना पानी को स्टोर करके रखता है, एकदम जमा करके रखता है, ठीक है। और इसका वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है, बहुत बड़ा होते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई भी पेड़, ठीक है, कोई भी पेड़ अगर यदि उसको एक दो महीना तक बारिश नहीं होगा, वो अपना पानी वही पानी से जो कि जमा करके रखा है, उसी पानी से वैक्यूल्स में जो कि जमा करके रखा है, उसी पानी से ये क्या कर लेता है, काम अपना चला लेता है। बात को समझे कि नहीं समझे। तो ये काम करता है वैक्यूल्स। अब देखिए, लेकिन हम लोगों में वैक्यूल्स जो होता है वो छोटा होता है। हम लोगों को देखिए, हम लोगों का वैक्यूल्स छोटा होता है, इसलिए जब हम लोग पानी पीते हैं तो तुरंत एक दो तीन घंटा बाद फिर से पानी प्यास लग जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको बारिश होगा तब भी ये पानी पी पाएगा, ठीक है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर वैक्यूल्स छोटा होता है, इसलिए पानी प्यास जो होता है जल्दी जल्दी लगता है। ये वैक्यूल्स का काम क्या बताए, ये पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम, ये जो है प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या होता है, अगला टॉपिक उस वही है, ठीक है। ये क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा वही है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता है लेकिन ये ढका होता है, यानी कवर होता है, किससे, कोशिका भित्ति से, यानी सेल वॉल से ये ढका रहता है। पहले सेल वॉल रहेगा तब उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है और बहुत पतली होती है। लेकिन हमारे अंदर सबसे बाहर जो होता है, कोशिका के सबसे बाहर वाली परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां तक समझ आ गया क्या, अब हम लोग आगे के टॉपिक हम लोग अगले पेज में समझते हैं। यहां पे देखिए, आपको यहां पे ये हो गया प्लांट सेल, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फिगर, ये प्लांट सेल हो गया और ये हो गया हमारा एनिमल सेल। आपको यहां पे एक बहुत मोटा सा परत दिख रहा होगा, ये बार वाला ग्रीन कलर का, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट यही है क्या, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट है, ये है सेल वॉल।
जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। और इसके इसके देखिए यहाँ भी हो गया कोशिका भित्ति, और इसके 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 देखिए अंदर में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो परत जो है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए हम लोगों में, अब एनिमल में आ जाते हैं, ये जो आपको बाहर में दिख रहा है, ये बाहर में जो दिख रहा है सबसे बाहर में कोशिका, यही है ये कोशिका हुआ, और कोशिका के जो सबसे बाहर दिख रहा है यही है सेल मेम्ब्रेन। हमारे ऊपर कोई भी तरह का सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन एकरा अंदर एकरा ऊपर सबसे ऊपर सेल वॉल होता है, और उसके बाद क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, बात को समझे। लेकिन हमारे ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तब कुछ होता है। अब देखिए, अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे समझ आ गया कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे किसका होता है किसका नहीं होता है। अब हम लोग कुछ बातें को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया तरह समझते हैं। देखिए ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या हम प्लांट सेल के अंदर आप आपको जवाब देना है, क्या सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या प्लांट सेल के अंदर होगा कि एनिमल सेल के अंदर होगा, समझ आ गया ना। तो आप बोलिएगा किसके अंदर होगा, प्लांट सेल के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट ही क्या बनाता है, प्लांट के अंदर सेल्युलोज होता है, और सेल्युलोज ही क्या बनाता है सेल वॉल बनाता है। तो यहाँ पे प्लांट जो है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है सेल्युलोज होता है, और सेल्युलोज ही क्या बनाता है सेल वॉल को बनाता है, ठीक है। और सेल वॉल क्या कहता है, किसी भी पेड़ पौधा को उसका साइज को फिक्स कर देता है, सेल के साइज को क्या कहता है फिक्स करता है, ठीक है। आपको मैंने कोशिका भित्ति के बारे में बता दिया, अब हम लोग चलते हैं एनिमल सेल के बारे में। ये देखिए आपको जो ये फिगर दिख रहा है, ये एनिमल सेल को हमने खुद से अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे हमारे बाहर वाला परत को, ये जो बाहर वाला परत ये वाला, ठीक है, ये वाला परत को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब इसके बारे में कुछ बातें अच्छे तरह समझते हैं हम लोग। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या कहता है हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए अगर आप बाजार उजार जाते होंगे कोई सामान वामान लाने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा हुआ, सरस्वती पूजा के का सामान आप लाने के लिए गए बाजार, एगो बोरा लेके जाते हैं, बोरा में क्या कहते हैं अमरूद ले लेते हैं, गाजर ले लेते हैं, जो भी मतलब कि फल लेते हैं, जो भी खरीदना होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे बांध करके ले आते हैं घर में दे आते हैं, ठीक है। तो वही काम जिस तरह बोरा काम करता है। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें, जैसे कि अगर आप दुकान जाते हैं, दुकान में या फिर बाजार जाते होंगे, तो बाजार में आप क्या कीजिएगा, एक किलो आलू ले लीजिएगा, एक किलो बैंगन, एक किलो कुचवारू मतलब भिंडी जो भी ले लीजिएगा वो ले लीजिएगा, और क्या आप हाथ में लेकर आइएगा, हाथ में ले आइएगा पता चलेगा एगो आलू इधर गिरा, एगो बैंगन इधर गिर गया, एगो गजरा उधर गिर गया, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन आप क्या करिएगा, एक झोला लेके जाइएगा, झोला में क्या करेगा उसको सभी को रख दीजिएगा और पकड़ के लेके आ जाइएगा। वही काम करता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, वही काम करता है, यानी ये क्या करता है कोशिका के अंग, ये जो अंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी वैक्यूल्स सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम लाइसोसोम, इस सभी को बाहर नहीं भटकने देता है, कहेगा ए तुमको यही सेल के अंदर रहना है, ठीक है, तुमको बाहर नहीं भटकने देंगे, तुमको इसी सेल के अंदर रहना है। तो भाई इसको बाहर नहीं आने देता है, सेल के अंदर ही इसको रखता है, बात को समझा गया क्या। तो भाई आपको मैंने सेल वॉल के सॉरी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। अब देखिए इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो होता है लचीला होता है, बहुत ही महीन होता है, महीन होगा लचीला होगा और अधपारगम्य होगा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे सेमी पेरिबल्स, ठीक है, अधपारगम्य, अधपारगम्य हम उसको बोलते हैं। ये सेल के अंदर ये देखिए ये पारदर्शक होते हैं, ये क्या होते हैं पारदर्शक, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब कि आप इसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सांस ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर प्रवेश कर सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, किसके अंदर कोशिका के अंदर, ठीक है। तो कोशिका के ये पारदर्शक होते हैं, यानी कोई भी चीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ क्या, अब आप लोहा तो पार कर दिएगा, ठीक है, मतलब कि जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब इसको ये अपने अंदर आने देता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं अधपारगम्य, ये सभी को नहीं आने देता है, ठीक है, सभी को ये आने अपने कोशिका के अंदर नहीं देता है,
कोशिका के अंदर ये गेटवा पे एकदम सुरक्षा गार्ड के तरह रहता है, तुम चोर है नहीं जाएगा, ठीक है, जो गाड़ी का जो इस बिल्डिंग का मालिक वो आएगा, ठीक है, नौकरानी आएगी जो काम करती है, मतलब कि आप समझा गया ना, तो ये गार्ड का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ ही पदार्थों को आने देता है, ठीक है, शरीर के कुछ ही पदार्थों को इस कोशिका के अंदर ये आने देता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, इसलिए बोलते हैं अधपारगम, यानी कुछ ही पदार्थ को आने देता है ना, इसलिए बोले अधपारगम्य, यानी कुछ ही पदार्थ इसमें आ सकता है, पारदर्शक इसलिए बोले क्योंकि ये इसमें इसमें कुछ भी कोई भी पदार्थ आ सकता, कोई भी नहीं मतलब कुछ ही पदार्थ आ सकता है, यानी पार हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए बोले पारदर्शक, बात को समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि और ये लचीला होता है, काफी ज्यादा लचीला होगा, लचीला ठीक है लेकिन मजबूत होगा, लचीला होगा लेकिन मजबूत होगा। अब हम लोग बात करें इसका, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका दो परत होता है, एक ऊपरलका परत एक निचलका परत आपको दिख रहा होगा, इसका ऊपरलका और निचलका परत, इन ऊपर वाला परत और नीचे वाला परत, सेल मेम्ब्रेन का ऊपर वाला परत और नीचे वाला परत जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है जी, प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसके अंदर आपको बीच वाला जो दिख रहा है, ये बीच वाला जो दिख रहा है, ये वाला परत जो है ये फास्फोलिपिड से बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फास्फोलिपिड के बने होते हैं। यहां तक आपको समझ आएंगे क्या, मैंने बताया कि भाई इसका बाहरी और भीतरी परत, सॉरी बाहरी और भीतरी परत जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, बाहरी और आंतरिक परत होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, बात को समझोगे, और लेकिन मध्यवर्ती बीच का परत जो है वो बना होता है फास्फोलिपिड के बने होते हैं। अब थोड़ा इसके आगे समझते हैं, इसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी सब होता है, इसको अच्छे तरह से एक जगह फिक्स रखने का काम करता है, ये सब क्या कहता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य यानी तो कोशिका द्रव्य, इसके बारे में हम कल के क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे, आज का क्लास बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।